अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फोटोशॉप CS6 की इस वीडियो में आज हम सीखेंगे क्लोन स्टैम्प टूल, जो कि आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे टूल बार के अंदर ये हमारे पास टूल है। इसको जैसे ही मैं एक्सपेंड करता हूं तो इसके अंदर दो टूल हैं, एक है क्लोन स्टैम्प टूल और दूसरा है पैटर्न स्टैम्प टूल। ये दोनों टूल सेम जो हमने पहले दो टूल्स पढ़े थे, आप देख सकते हैं इसके अंदर स्पोर्ट हीलिंग ब्रश टूल और हीलिंग ब्रश टूल, इन दोनों टूल्स की तरह ही ये काम करते हैं। इनका काम क्या है कि अगर आप अपनी इमेज में से अनवांटेड पार्ट्स को रिमूव करना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं ये हिस्सा इसके अंदर ना हो, वो आप इस टूल के साथ रिमूव कर सकते हैं। उसके अलावा चेहरे पर दाग धब्बे छाइयां या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, ब्लेमिशेज रिंकल्स, इनको अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं फेस फिनिशिंग के लिए भी आप इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप इस अगर आप चाहते हैं कि आपकी पिक्चर में से कोई चीज़ रिमूव कर दी जाए और इस तरह से रिमूव हो कि वो ऐसा लगे कि जैसे यहाँ पर कभी कोई चीज़ थी ही नहीं, तो आप इस टूल की मदद से ऐसा जो है अजूबा कर सकते हैं। तो बातों की बजाय हम जस्ट अपना काम स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिकली करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये इमेज ओपन कर लेता हूँ, ये चाइना के फ्लैग की। मैं चाहता हूँ कि जी इस इमेज के अंदर जो स्टार्स हैं ये जो मुझे और जगह पे भी नज़र आए और इस तरह से लगे जैसे ये उसी जगह पर स्टार से थे, मतलब कि पता ना चले कि कोई कॉपी की गई है। तो मैं जस्ट क्या करूँगा, मैं यहाँ से क्लोन स्टैम्प टूल को सिलेक्ट करूँगा और इसके अंदर मैं बता दूँ कि हीलिंग टूल की तरह इसमें भी एक सोर्स होता है और एक डेस्टिनेशन होती है। तो सोर्स और डेस्टिनेशन से क्या मुराद है कि सबसे पहले तो आप ऊपर आए ना ऑप्शन में देखें, यहाँ पे हमें मुख्तलिफ तरह के ब्रशेज नज़र आ रहे हैं, आप ब्रश सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ से साइज को कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से उसकी हार्डनेस को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब कि उसके अलावा आप यहाँ से जी मुख्तलिफ तरह के इफेक्ट्स हैं, मोड्स हैं, इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो और उसके अलावा ओपेसिटी है और फ्लो है, इन चीज़ों को भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। मैं आपको इसका साइज कम करता हूँ, स्टार के बराबर लाता हूँ। आप इसका साइज स्क्वायर ब्रैकेट से भी, शॉर्ट की है इससे भी कंट्रोल इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप आर्ट का बटन दबाएंगे तो आप देखते हैं यहाँ पे एक छोटा सा एक टारगेट की तरह का एक निशान बन गया। आप जस्ट अब अपने माउस का लेफ्ट जो बटन है उसको क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। और अभी अलाइंट जो है इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ, बाद में इसके बारे में बताता हूँ। आप यहाँ पे लाएंगे, आर्ट का बटन दबा के इसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद जहाँ भी आप इसको रखना चाहते हैं आप इसको वहाँ पे रख सकते हैं और क्लिक करी जाए। और ये देखिए इस तरह लग रहा है जैसे ये उसी जगह का पार्ट है। ये देखिए कितना आसान है इसको करना। तो दोस्तों ये क्या करता है हीलिंग ब्रश टूल, जब आप किसी चीज़ को कॉपी करते हैं तो वहाँ से पकड़ के उस जगह पे जाके जब आप हील करते हैं तो ये इर्द गिर्द के पिक्सल्स को पकड़ता है, उनकी एवरेज लेता है और उसके मुताबिक वो उस जगह को भर देता है, हील कर देता है और ऐसा कर देता है जैसे ये उसका पार्ट है। ठीक है, ये अपना भी उसके ऊपर अपने इफेक्ट भी उसके ऊपर अप्लाई करता है। ये देखते हैं आप जितने मर्जी बना लें और ऐसा लगेगा जैसे ये चीज़ वहाँ पर ही शुरू से थी। ये देखें, तो एक काम तो इसका ये हो गया। अब दूसरा काम हम देखते हैं कि हम इसको फेस फिनिशिंग के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। मैं एक न्यू फाइल ओपन करता हूं, मैं एक तस्वीर लेता हूं जिसमें फेस फिनिशिंग की जरूरत है। जैसे जी ये मेरे भाई साहब देखें इसके मुंह पे कितने डब्बे पड़े हुए हैं। अब मैं चाहता हूं कि जी इसके फेस को जो है ना वो फिनिश कर दिया, फिनिशिंग कर दी जाए, फिनिश ना कर दिया जाए, फिनिशिंग कर दी जाए। मतलब क्या करूंगा मैं, पहले तो मैं इसके थोड़ा साइज को कम करता हूँ और देखता हूँ इसके जिस्म का कौन सा हिस्सा जो है ना वो क्लियर है। अब देखें तो ये जो इसके जिस्म का पार्ट है ये क्लियर है, ये जो थोड़ी के पास। मैं आर्ट का बटन दबा के इसको सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद जो भी जो मेरे पास दाना है उसके ऊपर जाके जैसे ही क्लिक करूँगा आप देखें वहाँ से गायब हो जाता है। ये देखें साइज, आप कोशिश करें कि इसका जो साइज है वो जो उसका जो दाने का जो साइज है उसके मुताबिक कर लें ताकि इर्द गिर्द का एरिया इफेक्ट ना हो। और इससे इस और फेस फिनिशिंग का काम इससे हो जाता है, लेकिन इससे भी जो बेहतर है वो आप जो हीलिंग ब्रश टूल है उससे मजीद अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ अगर मैं अनवांटेड चीज़ों को रिमूव करना चाहता हूँ तो वो इसमें कैसे किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये तस्वीर मैं ओपन कर लेता हूँ, इसके अंदर आप देख सकते हैं मुझे एक टेक्स्ट नज़र आ रहा है और मुझे ये बहुत बुरा लग रहा है और मैं चाहता हूँ कि इसको मैं ख़त्म कर दूँ। तो मैं जस्ट क्या करूँगा,
पहले मैं इसकी थोड़ी सी जो है ना हार्डनेस कम ही रहने देता हूँ। इसका मैं साइज जो है ना वो बढ़ा लूंगा पहले। साइज मैंने बढ़ा लिया, उसके बाद मैं आर्ट का बटन दबा के इस हिस्से को सिलेक्ट करूंगा और जैसे ही इसके ऊपर ला के मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखते हैं कि पीछे से जो टेक्स्ट था वो बिल्कुल ही खत्म हो गया। मुझे थोड़ी सी इसकी हार्डनेस जो है वो बढ़ानी पड़ेगी, या इसकी हार्डनेस को फुल कर देता हूँ। हार्डनेस फुल करने के बाद ये देखें, मैं आर्ट का बटन दबा के क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे लाके इसको छोड़ता हूँ तो ये देखें टेक्स्ट जो है वो ख़त्म हो गया। ये देखें टेक्स्ट ख़त्म हो गया और ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे पहले कोई चीज़ थी नहीं। इसी तरह ये लड़का है, ये भाईजान भी यहाँ पे कुछ अच्छे नहीं लग रहे। मैं चाहता हूँ कि इसको भी ख़त्म कर दिया जाए, इसको भी यहाँ से हटा दिया जाए। मैं आर्ट का बटन दबाऊँगा और इसको यहाँ से इस एरिया को सिलेक्ट किया और ये देखें इसकी बजाय मैं क्यों ना कोई और अच्छा सा ब्रश यहाँ से सिलेक्ट कर लूँ ताकि जो है ना वो बड़े अच्छे तरीके से उसको वहाँ से रिमूव किया जा सके। मैं इसका साइज बढ़ा देता हूँ और हार्डनेस मैं देख लेता हूँ फुल है, हार्डनेस फुल ही है इसकी। तो मैं जस्ट यहाँ पे लाता हूँ इसको, आल का बटन दबाता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ और ये देखें यहाँ पर जाता हूँ और उसके बाद ये देखें तो देखें वो लड़का बिल्कुल इस तरह से यहाँ से गायब हो गया। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं वहाँ पे भी थोड़ी सी हरियाली क्रिएट करती जाए यहाँ से आर्ट का बटन, ये देखें तो ऐसे लग रहा है जैसे वो लड़का यहाँ पे था ही नहीं। तो इसका इससे हम क्या कर सकते हैं, अनवांटेड चीज़ों को भी मैंने आपको रिमूव करना दिखाया, उसके बाद कुछ ऐड करना हो तो वो भी मैंने स्टार्स की मदद से आपको ऐड करना दिखाया, उसके अलावा ब्लेमिशेज रिंकल्स वगैरह को भी रिमूव करके दिखाया। उसके बाद आप ऑप्शंस जो आ जाती हैं हमारे पास, इसके अंदर एक ऑप्शन है जी, वो है अलाइंड की ऑप्शन। अब अलाइंड की ऑप्शन क्या करती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, कोई मुश्किल काम नहीं है अलाइंड की ऑप्शन का। मैं इसके लिए चले एक और पिक्चर खोल लेता हूँ ताकि ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाए। फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं कि जी ये मैंने तस्वीर खोल ली। अब होता ये है कि जब मैं ये देखें, मैं इसका साइज थोड़ा बढ़ा लेता हूँ और मैं यहाँ से कुछ चीज़ सिलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये ग्लास मैंने सिलेक्ट किया, अभी मैंने अलाइंड को जो है ना वो डिसेबल किया हुआ है। मैं यहाँ से आल्ट का बटन दबाता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर जाके जैसे ही मैं इसको क्लिक करके उधर पेस्ट एक किस्म का आप कह लें मैं इसको पेस्ट करता हूँ तो ये सॉरी यहाँ से कोई और अच्छा सा ब्रश टूल इस्तेमाल करते हैं। इसकी हार्डनेस बहुत ही ज़्यादा है, इसको सिलेक्ट करके इसकी हार्डनेस को जो है ना वो हम कम कर देते हैं। तो इसको मैंने यहाँ से ग्लास को जो है ना वो सिलेक्ट किया और इसको जैसे ही मैं जाके यहाँ पे छोड़ूंगा तो आप देख रहे हैं मैं जितनी बार भी क्लिक करता हूँ वही सेम ग्लास बार बार वहाँ पे पेस्ट होता जा रहा है। ये उस वक्त है जब मैंने अलाइंड को डिसेबल किया है। अब मैं जब अलाइन को जो है मैं इनेबल कर देता हूं तो अब क्या इफेक्ट होगा, मैं इसको आल्ट की मदद से इसको सिलेक्ट किया, वहां पे जाके मैं जब पेस्ट इसको मतलब कि वहां पे पुट करता हूं और उसके बाद मैं दोबारा से क्लिक करता हूं तो आप देखते हैं वो जो मैंने पहले सिलेक्ट किया था ग्लास वो अब दोबारा नहीं आ रहा। उसकी वजह क्या है, अब ये जब मैंने अलाइन कर दिया अब ये क्या करेगा, अब उस जो मैंने सोर्स सिलेक्ट किया था यानी ग्लास सिलेक्ट किया था उसके इर्द गिर्द के एरिए को ये वहाँ पर पेस्ट करना शुरू कर देगा। ये देखें उसका जितना भी इर्द गिर्द का एरिया था ये उसको वहाँ पे लाने लग गया है। तो ये किसकी मदद से हमने किया, ये अलाइंड की मदद से किया। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस है करंट लेयर एंड बिलो, मतलब कि जो भी आप इसके सैंपल टूल का इस्तेमाल करेंगे क्या वो सिर्फ करंट लेयर पे ही हो या इसके अलावा भी हो या ऑल लेयर्स पे हो, ये आप यहाँ पे खुद से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका मैंने डिटेल मैंने पहले वीडियो में बता दिया है। उसके अलावा आप इसकी इसकी जो ओपेसिटी है वो कम कर सकते हैं, मतलब कि ओपेसिटी अगर मैं इसकी कम कर दूंगा तो अब क्या इफेक्ट होगा, मैं ग्लास को सिलेक्ट करता हूँ तो देखें बड़ा ही लाइट सा नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब है इसकी ओपेसिटी जो है ना वो कम हो गई है, अभी ग्लास की जो सिलेक्शन की ओपेसिटी है ना, अब मैं इसकी ओपेसिटी फुल कर देता हूँ अगर तो फिर क्या होगा कि ये देखें अब मैं दोबारा से इस ग्लास को सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखें दोनों में कितना फ़र्क आ रहा है, उसकी ओपेसिटी कम थी और इसकी ओपेसिटी ज़्यादा है। तो इसी तरह फ्लो का काम भी यही है और ये नॉर्मल है, इसमें से आप कोई भी इफेक्ट को चूज़ कर सकते हैं। तो
फॉर एग्जाम्पल अभी नॉर्मल है, मैं जी डार्कन डार्कन कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो अब मैं देखता हूँ जिसको ऑल्ट करके मैंने सेलेक्ट किया, और ये देखें ये डार्क कलर जहाँ पे मैं सिलेक्ट इसको मतलब कि इसको पेस्ट करने की कोशिश करूँगा वहाँ पे डार्कन कलर कुछ इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा से नॉर्मल कर देता हूँ। तो दोस्तों ये तो था स्टैम्प टूल का काम। इसके साथ हमारे पास एक दूसरा है पैटर्न स्टैम्प टूल। पैटर्न स्टैम्प टूल क्या करेगा, जैसे मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि ये जस्ट जहाँ पे भी आप इसको क्लिक करेंगे वहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट कर देगा, और मुख्तलिफ तरह के पैटर्न्स आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको ये देखें, आप जितने मर्जी पैटर्न आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं ये उठाता हूँ और इसको मैं यहाँ पे ये देखें यहाँ पे पैटर्न आ जाएगा। इसको जस्ट आपने क्या करना है, एक ब्रश की तरह आप इसको यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, और इसका कुछ काम नहीं है। आप इसका साइज बढ़ा के आप ये देखें ये कर सकते हैं, इस तरह से आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं। तो ये किसका काम है, ये काम है जी पैटर्न स्टैम्प टूल का। ठीक है दोस्तों, उसके इसके अलावा आई थिंक इसमें कोई चीज़ भी नहीं रह गई जो आपके लिए कोई अहम हो। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी और आपने इसे इंजॉय भी किया होगा। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।